संसद में उठिला भारत चीन सीमा विवाद प्रसंग और लोकसभा एने बृत्ति रखिंट प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते भारत चीन सीमार शांति बजाय रखा उभय देश आग्रही द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि यह जरूरी अटे सीमा बिवाद नहीं एजाए कौन द्विपाक्षिक सहमति होना भारत पारंपरिक सीमारेखा को चीन मानवा प्रस्तुत नुहे राजनाथ कहते प्रमाण योग्य भौगोलिक आधार में सीमा निर्धारित होन एकतरफा भाव स्थित को विपन्न करद्वारा द्विपाक्षिक राजीनामा उल्लंघन होता चीन को जनईु राजनाथ आहरी कहते चीन सैनिकों हिंसक व्यवहार पुणा राजीनामार उल्लंघन करलएसी चीन संख्याधिक सैन्य और युद्धास्त्र मुतयन करवाद अंचल भारत जवाबी सैन्य मुतयन करकोसी मुकबिला भारत प्रस्तुत बोली राजनाथ सिंह गलवान में साहसी सैनिकों बलिदान को प्रशंसा करने राजनाथ कहते उभय संयमता और साहसिकता प्रदर्शन जानती भारतीय जवान एलएसी को सम्मान और चुक्तिनामा पालन सहित स्थिति उल्लंघन न करने को बेजिंग को चेतावनी देते भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजर्स के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डेलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा।